Then salute. So, कई बार आए हैं जैसे कई बार हम किसी को बोलते हैं तो लोगों को जब ग्रीट करते हैं तो कई बार कहते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहते हैं तो हमारा अंदर में भाव क्या रहता है जब उन लोगों को कहते हैं गुड मॉर्निंग क्या भाव रहता है किसी को हम कहते हैं गुड इवनिंग तो क्या भाव क्या होती है कि आपकी इवनिंग कैसी हो आपकी इवनिंग बहुत गुड हो अच्छी हो तो ये हमारे से लोगों को पॉजिटिव एनर्जी हम उन लोगों को देते हैं वो अलग बात है कि अभी आप देखे ना दुनिया में कभी गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं एक दूसरे को मिलेगा ना तो कहते मॉर्निंग इवनिंग केवल इतना ही कहेंगे पूरा भी नहीं बोलते परंतु जैसे वो लोग ग्रीट करते हैं तो आपस में पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ऐसे ओम शांति का बहुत सुंदर मतलब है ये कोई मंत्र नहीं है लेकिन एक ग्रीटिंग है और इस ग्रीटिंग का मतलब है ओम मना आया शांति मना पीसफुल सोल तो हम अपने को भी स्मृति दिलाते कि मैं कौन हूँ मैं शांत स्वरूप हूँ और आपको भी स्मृति दिलाते कि आप भी कौन है शांत स्वरूप है तो इस स्मृति के साथ ये ग्रीटिंग सबको देते अभी क्या लगता है सभी शांत और खुश हैं सभी शांत और खुश हैं जो है वो हाथ खड़ा करें ठीक खुश है खुश है कि खुशी चाहिए कि है भी और चाहिए भी जितनी मिले उतनी अच्छी है सब खुशी तो हम सब ने कभी ना कभी अनुभव की है परंतु जो हमने से एक सवाल पूछना है कि हमारी खुशी जो है वो कभी कभी वाली है कि कांस्टेंट है कभी कभी वाली है कि सदा की कभी कभी वाली है अब होनी क्या चाहिए कभी कभी वाली कि सदा की आपको लगता है ये पॉसिबल फील होता है ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है नहीं पॉसिबल आज के चैलेंजेस प्रॉब्लम सिचुएशंस फैमिली सबको पहले ध्यान से देख लो ये जैसे ऐसे रहने वाले हैं और समय के साथ साथ क्या होने वाले हैं कॉम्पिटिशन क्या होने वाला है समय के साथ साथ पढ़ने वाला कम होने वाला टारगेट्स डेडलाइंस चैलेंजेस वॉकिंग का ट्रैफिक कम होगा बढ़ेगा ये सब के साथ क्या लगता है सदा खुश रहना पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है हाँ जी किस किस को लगता है पॉसिबल है जरा हाथ पकड़ा कर वेरी नाइस जिसको लगता है इम्पॉसिबल है वो हाथ पकड़ा कर इम्पॉसिबल है तो जब हमने पहले से ही सोच लिया कि इम्पॉसिबल है बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं मानो अगर मैं अपने को कहूँ कि ये जो टेबल है ना इसको तोड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल है तो अगर मैंने ये अपने को कहा कि इम्पॉसिबल है तो हम कभी भी ट्राई भी करेंगे ट्राई करेंगे ट्राई भी कब करेंगे जब हमको लगता है कि थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है तो आज ओपन मन से बैठे और घंटे के बाद डिसाइड करना कि पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है अच्छा अभी आपने कहा कभी कभी तो खुश रहते हैं लेकिन कभी कभी फिर क्या हो जाते हैं खुशी किसमें बदल जाती खुशी किसमें बदल जाती हाँ जी नहीं खुशी एक फीलिंग है ना अगर खुश नहीं है तो फिर दूसरी फीलिंग कौन कौन सी होती है हाँ जी गुस्सा उदासी और चिंता मायूसी लेकिन भाई बस बैठ अभी और कौन सी फीलिंग होती भय होते कि नहीं ये सारी फीलिंग आती हैं कि नहीं अभी इन सब का निवारण ढूंढना है तो पहले कारण क्या बातें हैं ये आप सुने थे क्या बातें हैं जो हमारी खुशी उदासी में बदल जाती है कब हमारी खुशी उदासी में बदल जाती है
क्या कारण है? कोई भी, कोई भी बात नहीं, करने आज ही हो सकता है कुछ हुआ, कल हो सकता है कुछ हुआ, हाँ जी कोई भी चाहते हो होता नहीं है। यस, एक जो बहुत बड़ी बात है, हम जो चाहते हैं अगर वैसा नहीं होता है तो क्या होता है? फिर हमारी खुशी गायब हो जाती है। बहुत अच्छा। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, मतलब वही हो गया ना, जब हमारे अनुसार नहीं होता या जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। कौन कब गायब होती है? कब गुस्सा आता है? कब गुस्सा आता है? जब जब सामने वाला हम चाहते हैं कि इस तरह से व्यवहार करे और वो ऐसे व्यवहार नहीं करता। चलो दो बातें होगी, जब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता तो हमारी खुशी गायब हो जाती है, जब लोग हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करते तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। और कोई कारण? पहले कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना, फिर निवारण मिलेगा। और क्या कारण है खुशी गायब होने का? हाँ जी, नेगेटिव न्यूज सुनते रहते हैं। किसके हाथ में है वो? नेगेटिव न्यूज सुनते रहते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है उसके कारण नेगेटिव चलते हैं। यस सिस्टर, बच्चे तकलीफ में होते हैं, राइट, तो उनकी तकलीफ देख करके हम तकलीफ में चले जाते हैं, ठीक है। और कोई बात? आज जब हम विमान पढ़ते हैं, माना जब परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं है, राइट, और किसी को कुछ है? हाँ जी सिस्टर, हाँ, जब हमको बहुत ज्यादा हमारा मन किसमें चला जाता है? फ्यूचर में, तो जो फीलिंग हमको रहती है वो फियर की, इनसिक्योरिटी की, पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत अच्छा। और कुछ, कोई भी और चीज जो आपकी खुशी गायब कर देती है? तो मैंने अगर एसेंस में देखे तो दो तीन बातें जो सभी ने कही, पहली बात जो कही, जब लोग मेरे अनुसार नहीं चलते हैं, आपको क्या लगता है लोग आपके अनुसार चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्यों? किसके अनुसार चलेंगे? हम किसके अनुसार चलते हैं? हम अपने अनुसार चलते हैं। और वो किसके अनुसार चले? हम अपने अनुसार चलेंगे। और उनको किसके अनुसार चलना चाहिए? हमारे। पॉसिबल है आपको लगते? आपको लगते वो किस अनुसार चलते हैं? वो अपने अनुसार चलते हैं। मानो आपने किसी को टाइम दिया, जैसे आपने किसी को कहा देखो आज प्रोग्राम है, किसी अपनी सहेली को बोलो आज 5:30 का प्रोग्राम है, मुझे जाना है, तुम भी साथ चलो, क्योंकि हाँ मैं भी चलूँ। लेकिन 5:15 बजे आप पहुँच जाना, 5:30 शुरू होना है, हमको 5:15 निकलना है, तो तुम कह। अभी उसने कहा हाँ मैं 5:15 बजे पहुँच जाऊँगी, हमने उसको पक्का भी कराया, रिमाइंड भी कराया, उसको 5 बजे भी कॉल किया, देख लो हमें टाइम पर पहुँचना है। अब उसके बाद भी अगर वो 5:15 बजे तक नहीं पहुंचती है तो क्या होता है? गुस्सा आता है। और फिर वो गुस्सा किसने दिलाया आपको? वो गुस्सा किसने दिलाया आपको? सहेली ने ना, सहेली ने दिलाया कि नहीं दिलाया? नहीं कि हाँ, जो मुझे गुस्सा आया वो किसने दिलाया? मुझे सहेली ने दिलाया ना, वरना सारी प्रॉब्लम किसके अंदर है? तो फिर चेंज उसको होना पड़ेगा, और वो तो चेंज होने के मूड में नहीं है। अभी क्या है? अपने मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना कितना इजी है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन, 10 जने हैं, 10 के 10 ने अपने फ्रेंड को टाइम दिया इतने बजे आ जाना, और 10 के 10 की जो फ्रेंड है वो लेट हो जाती है, 10 के 10 को गुस्सा आएगा? 10 के 10 को गुस्सा आएगा? नहीं। क्यों? अभी तो आपने कहा सही भी गुस्सा दिला दिया, मैंने कहा 10 जने हैं, 10 के 10 की फ्रेंड लेट हो रही है, अब 10 के 10 को गुस्सा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? हाँ जी,
हमारे जैसे दूसरे भी लेट है। ऐसा हो सकता है कि किसी को गुस्सा आए, किसी को नहीं आए, किसी को बहुत ज्यादा आए, किसी को कम आए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ऐसा अभी कौन किसको दिला रहा है गुस्सा, कौन किसको दिला रहा है? देखो क्या होता है, इट्स वेरी इजी टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने मन की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना बहुत इजी है। अभी ये रियलाइज करना है कि अगर वो फ्रेंड का लेट आना मेरे गुस्से का कारण है, तो किसी की भी फ्रेंड लेट आए उसको गुस्सा आना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। जब वो लेट आते हैं ना, तो वो 5:15 बोला, अभी 5:20 हो गए, तो यहाँ कुछ चलना शुरू होता है। होता चलना शुरू करने के कमेंट्री यहाँ पर शुरू होती है, होती नहीं होती है? वो कमेंट्री किस प्रकार की होती है सुनाना? चलो वो वाली कमेंट्री जो यहाँ चलती है, वो जो रिकॉर्ड यहाँ बजता है, वो बस कैसी क्वालिटी का होता है? क्या चलता है मन में, क्या क्या विचार? इनको डिसिप्लिन है ही नहीं, ठीक है, और इनको टाइम की वैल्यू नहीं है। टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे ना, देखना टाइम इनकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है? और हाँ जी, ये इंडियन टाइम पर आते ही नहीं है, इंडियंस में तो फेमस है, थोड़ा बहुत लेट तो होना है। और क्या चलता है? ये बहुत स्पीड से चलता है, इतना स्लो स्लो नहीं चलता है। एक मिनट में पता आपको कितने थॉट्स आते हैं? एक मिनट में 40-50 थॉट्स एक मिनट के अंदर। सिस्टर कोई बता रहे थे पीछे, हाँ जी, मुझे इनके साथ जाना ही नहीं चाहता, पता नहीं मैं क्यों लोगों के साथ टाइम वेस्ट करती हूँ। और क्या चलता है? हाँ जी, हाँ ये तो किसी किसी को चलता है। सब ठीक तो है ना, इनों को कुछ हुआ तो नहीं है ना, मुझे फोन करके पूछना चाहिए। अभी जो हमारी क्वालिटी अंदर थॉट्स की चल रही है, इनको डिसिप्लिन नहीं है, टाइम की वैल्यू नहीं है, इनके साथ मुझे आना ही नहीं चाहिए था, इंडियंस कभी टाइम पर होते नहीं है, ये जो विचार है पहले तो ये किसने क्रिएट किए? मैंने क्रिएट किए। इनकी क्वालिटी कैसी है? इनकी क्वालिटी कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो फीलिंग किसमें चेंज हो गई? खुश थे और खुश से 5-5.5 तक खुश थे, 5:20 तक क्या हो गए? 5:20 तक क्या हो गए? सीधा गुस्सा नहीं होता है, धीरे धीरे तो पहले क्या शुरू होता है अंदर में? इरिटेट होता है ना, इरिटेट होना शुरू होता है। 5:25 तक फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है, 5:30 बजे तो आकर किसी ने पूछ भी लिया ना आपसे कुछ, तो वो सारा का सारा क्योंकि इनको क्या हो गया 10 मिनट पहले तो बिल्कुल ठीक थे। कोई भी फीलिंग यहाँ क्रिएट होती है, हम क्रिएट करते हैं, हम खुशी से गुस्सा क्रिएट करते हैं, वो जो है हाँ वो ट्रिगर का काम जरूर करते हैं। ये बात ठीक है कि लेट नहीं आना चाहिए, परंतु उनों के संस्कारों के कारण हम बार बार दुखी होंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? ये सारी नेगेटिव एनर्जी जो हमने क्रिएट करी, इससे किसका नुकसान हुआ और क्या क्या लेवल पर नुकसान हुआ, कितने लेवल पर नुकसान हुआ? हमारी मन की स्थिति गई, और फिर उस नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर पड़ेगा? पहले तो यहाँ माइंड की स्टेट जाती है, फिर वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी? बॉडी। आज बहुत सारे बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, तो फिर धीरे धीरे उसका हमारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेगा, फिर किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? आया था ना कोई मिलने के लिए, हमने उसको क्या किया, निकाल दिया ना उसके ऊपर सारा, उसकी तो गलती भी नहीं थी, पर मैं ठीक नहीं हूँ तो मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी उसको चली गई, तो तीसरे लेवल पर क्या इम्पैक्ट हुआ? हमारे रिलेशनशिप्स। और चौथा देखो कितना डैमेज होता है, मन की स्थिति गई, तन बीमार हुआ, रिलेशनशिप्स खराब हुए, और जो वायुमंडल है वो वायुमंडल भी कैसा हो जाएगा धीरे धीरे?
अगर अपने घर में बैठ करके बार बार गुस्सा कर रहे हैं तो उस घर का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। हमने से पूछो ऐसी छोटी सी, ये तो कोई कहेंगे परिस्थिति भी नहीं है, इसको तो परिस्थिति भी नहीं कह सकते कि कोई 5-10 मिनट लेट आए, ये तो परिस्थिति भी नहीं है, ये तो केवल एक सीन है। अब इसी सीन में हमारे पास चॉइस है कि हम कुछ और सोच सकते हैं? चॉइस है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, है भी चॉइस कि नहीं है? ये संकल्प हम क्रिएट करते हैं कि अपने आप आते हैं? किस चीज को लगता है अपने आप आते? अगर ये अपने आप आते होते ना, अगर ये संकल्प अपने आप आते होते तो जिसकी फ्रेंड ये आती उसके मन में क्या चलता? सबके मन में नेगेटिव चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सबके मन में नहीं चल रहा है, माना हर मन डिसाइड कर रहा है उसको क्या क्रिएट करना है। ऐसा है कि नहीं? अपने आप आते तो सेम आने चाहिए ना, लेकिन सेम नहीं आ रहे हैं। इट्स अ बिग रियलाइजेशन कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं क्रिएट कर रहा हूँ माना मैं मास्टर हूँ ना, तो अब सेम सिचुएशन में क्या क्रिएट कर सकते हैं? क्या क्रिएट कर सकते हैं? अभी करेंगे तो फिर वहां भी कर पाएंगे। क्या क्रिएट कर सकते हैं? क्योंकि लोग तो अभी आप किसी को टाइम देंगे ना, फिर आप उसको फोन करेंगे कहाँ पहुंचे, वो कहेंगे बस बस 7 बजे पहुंच गया, वो कम अलर्ट में होता है आजकल के नहीं होता है। तो ये तो रोज की, ये वाली बात तो रोज के होती है। क्या सोचना है उस समय, क्या थॉट क्रिएट करना है? क्योंकि मुझे किसका ध्यान रखना है? मुझे किसका ध्यान रखना है? मुझे अपना ध्यान रखना है, मुझे अपनी खुशी का ध्यान रखना है। मैं खुश हूँ, कहाँ से मिलेगी खुशी और बाहर से? मैं ऑलरेडी खुश हूँ, लेकिन बातें आएंगी और वो बातें क्या छीनने के लिए आएंगी? मेरी मेरी खुशी, मुझे उसको ये गिफ्ट है, मुझे इस गिफ्ट को संभाल करके रखना है। तो मैं क्या उस समय सोचूं कि मेरी ये खुशी गायब नहीं? हाँ सिस्टर कुछ बता रहे थे, क्या संकल्प करें? थॉट ऐसा भी हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, लास्ट मिनट पर वो लेट हो गई होगी। ओके वेरी नाइस। और क्या थॉट क्रिएट कर सकते? क्या करेंगे ये सीन आएगी तो क्या करेंगे? अभी आप बताएंगे। हाँ जी मिस्टर सब ठीक है। ये तो स्कूल में बहुत सुंदर बात है, कोई आंसर रॉन्ग नहीं होता है, हर आंसर अपने नजरिए से राइट होता है। तो और क्या थॉट क्रिएट कर सकते हैं? हाँ जी ब्रदर। किसी दूसरे दोस्त से बात कर लेते हैं, कोई दूसरा काम कर लेते हैं, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं कि मेरी मन की स्थिति बनी रहे। वेरी नाइस। पानी पी के मन शांत नहीं होगा सिस्टर, पानी पी के तन शांत होगा। सच में पानी पिएंगे तो तन को कूलिंग मिलेगी, मन को कूलिंग के लिए तो मन की खुराक संकल्प है, उसको तो आपको पॉजिटिव थॉट देना पड़ेगा। हमने तो हमारा काम किया, कोई बात नहीं, हमने हमारा काम किया, कोई बात नहीं। ड्रॉप अ मैसेज, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, आप आ जाना। फीलिंग्स गुड। अंदर में ये नहीं, ये लेट होते हैं क्यों लेट होते हैं, हर बार लेट होते हैं, उनके संस्कार है। मेरी फीलिंग्स प्योर है, मैसेज ड्रॉप किया, अपना काम किया, चले गए। अच्छा यहाँ किसी ने हाथ उठाया था जी? और 10 मिनट बाकी, आ जाए, मुझे इसको लेकर के जाना है। इसके साथ साथ मेरे साथ साथ इसका भी भला होगा, शायद अच्छा कोई टॉपिक होगा। अब ये सब उस समय अपने आप आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता है? क्योंकि लंबा समय से नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है। तो आदत वो होती है जो नेचुरल होती है। तो अभी हमारी नेचुरल क्या है? वो नेगेटिव साइकिल में जाना, कर वो भी हम रहे,
लेकिन आदत ऐसी होती है कि इतनी इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता। जैसे वो चेन स्मोकर्स होते हैं, तो वो पहले तो जब पीते हैं तो फर्स्ट टाइम कोई सिगरेट स्मोक करता है तो उसके मन में दो संकल्प आते हैं ना, करूं या नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। जैसे दो लॉयर्स आपस में लड़े होते हैं, करूं नहीं करूं। फिर बुद्धि जो जज है वो कहती कर लो ना, सब कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस करना करना चाहिए। फिर हम उसको कर लेते हैं, वो हैबिट नहीं बनती है। फिर दोबारा ऐसी कोई सीन कटती है, फिर हमको आता है करें नहीं करें। लेकिन अगर बार बार साइकोलॉजिस्ट अलग अलग फिगर बताते हैं, कोई कहते हैं 18 बार कर लो, कोई कहते हैं 21 बार कर लो, कोई चीज आप रिपीटेडली कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा आदत, जिसको हम कई बार कहते हैं संस्कार। सुना ये शब्द, संस्कार बन जाता है, नेचर बन जाती है। अब जब वो संस्कार बन जाता है ना, तो करने वाले को ये भी पता नहीं चलता कि मैंने कब सिगरेट निकाली, कब स्मोक किया, उसको पता ही नहीं चलता। इट्स अ नेचुरल हैबिट। तो अभी हमारी भी इस तरह से नेगेटिव कमेंट्री सोचने की क्या हो गई है, आदत हो गई है। अब जैसे उसको छोड़ना है सिगरेट, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा समय क्या करना पड़ेगा, कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा समय ये सुनने से सिर्फ नहीं होगा, सुनने से तो रियलाइजेशन भी है। और क्या रियलाइजेशन हुई है कि मेरे गुस्से और उदासी के जिम्मेवार मैं हूँ, सही ही नहीं है, ये रियलाइजेशन हुई है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ये सीन आएगी और बहुत जल्दी आ जाएगी, शायद निकलते ही आ जाए, तो उस दिन में इतनी इतनी आती है, लेट होने की बात नहीं ना, कुछ भी हो सकती है। कई बार तो आप देखो किसी को फोन करते हैं, साथ में ही होगा, वो उधर वाला फोन नहीं उठाता है तो ये फोन करने वाला क्या हो जाता है, इरिटेट। कहीं तो बहुत प्राउडली कहते हैं मेरा कोई फोन नहीं उठाए ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप में से कोई है एक भी ऐसा कि आपका फोन कोई नहीं उठाए तो गुस्सा आता है? उसका क्या नुकसान है, उसका तो कोई नुकसान नहीं है। हम यहाँ पर क्योंकि हमारे अनुसार नहीं हो रहा है ना, वर्ल्ड हमारे अनुसार चलने वाला नहीं है। लोग अपने अनुसार चलेंगे ना, मेरे अनुसार भी चलेंगे, और वो अपने अनुसार भी इसलिए चलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरा तरीका राइट है। जैसे टाइम की बात है, अब कुछ लोग होते हैं 5:30 का प्रोग्राम है तो वो क्या सोचने हैं कि कितने बजे तक हमको हॉल में पहुंचाना चाहिए, कितने बजे तक पहुंचाना चाहिए, 5:30 का है तो कितने बजे तक पहुंचाना चाहिए। कहीं होंगे कि हाँ 5:20 तक तो मुझे पहुंचाना चाहिए, ऐसे होते हैं ना एक प्रकार के लोग, 5:30 का है 5:20 तक पहुंचाना चाहिए, वो राइट है कि रॉन्ग है, राइट है। कुछ होंगे जो कहेंगे 5:30 का प्रोग्राम है तो कितने बजे पहुंचना चाहिए, 5:20 में जाके 10 मिनट वहां पर वेस्ट करने की क्या जरूरत है, 5:30 पहुंच जाएंगे, वो राइट है कि रॉन्ग है, वो राइट है कि रॉन्ग है, वो भी राइट है। और कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे इंडिया में 5:30 का प्रोग्राम माना 46 से पहले तो शुरू हो गए, तो क्या टाइम वेस्ट करना, कितने बजे जाएंगे, 6:30 जाएंगे, वो राइट है कि रॉन्ग है, वो रॉन्ग है ना, वो किसके लिए रॉन्ग है, वो किसके लिए रॉन्ग है, जो 5:20 आते हैं, और जो 5:40 आते हैं ना उनको 5:20 वाले क्या लगते हैं, ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली हरेक क्या है थोड़ा जोर की बोले, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हरेक क्या है, राइट है, मेरे लिए नहीं, किसके लिए, अपने लिए। उसने अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं तो उसको छुट्टी है ना। आज गवर्नमेंट इतने सारे राइट्स देती है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू दिस, तो उसको अपने जीवन के कुछ राइट्स ही नहीं है बनाने के, कि है कि नहीं है। तो फिर हम कौन होते हैं उसको बार बार गलत गलत कहने वाले।
क्योंकि हमको लगता है नहीं मेरे को जो लगता है वो राइट है ना, माना वो ही राइट होना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है, हर एक की अपब्रिंगिंग होती है, उसके ऊपर उसके कल्चर का, उसके पेरेंट्स का, उसकी एजुकेशन का, उसकी कंट्री का, उसकी सोसाइटी का, बहुत सारे फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस पड़ता है। उस इन्फ्लुएंस के कारण उसका संस्कार पड़ता है, वो कोई बनाता थोड़ी ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका वो संस्कार बन जाता है। उसके पेरेंट्स हमेशा 10 मिनट लेट जाते थे, उसका संस्कार बन गया, उसको पता ही नहीं चला। अभी ठीक है वो आपकी कंपनी में काम करता है मान लो, और आपकी मीटिंग 5:30 शुरू होती है, तो आपको अंदर में होता है कि नहीं हमारे लिए काम करता है तो कितने बजे आ जाना चाहिए मीटिंग से 10 मिनट। आप राइट है, आपको ये बात उनको कहनी भी है, आपको ये बात उन को सिखानी भी है, परंतु वो ऐसे नहीं सीखेंगे अगर आप उन्हों के प्रति ये थॉट रखेंगे कि वो गलत है, वो तब नहीं सीखेंगे। क्योंकि तब आपसे जो एनर्जी उन को जाएगी वो कौन सी जाएगी, नेगेटिव और डिसरेस्पेक्ट की, आप गलत हैं, तो वो उसको आपसे दूर कर देती है। जब हमको किसी को कुछ सिखाना होता है तो हमको उनको दूर नहीं भेजना होता, हमको उनको क्या करना होता है, नजदीक लाना है। और नजदीक लाने का तरीका ही है कि वो राइट है अपने पर्सपेक्टिव से, कुछ भी फैक्टर्स होंगे, कुछ भी उनके अपब्रिंगिंग होंगे, कितनी सारी चीजें आप देखेंगे स्टेट वाइज भी जो एक स्टेट में राइट है वो दूसरी स्टेट में लोगों को अजीब लगती है। गुजरात में जब लोग खाना खाते हैं तो हर खाने की चीज में क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं, डालते हैं। एक नॉर्थ इंडिया वाला जब यहाँ आता है ना तो उसको ये पता क्या लगता है, कैसे अजीब है, हर चीज में क्या डालते हैं, हर चीज में चीनी डालते हैं। और यहाँ वाले जब वहां जाते हैं तो उनको उनका टेस्ट अजीब लगता है। अब एक्चुअली कोई राइट रॉन्ग है इसमें, अब ब्रीदिंग ऐसी थी, वो टेस्ट डेवलप हो गया, वो भी राइट है, वो भी राइट है। तो ये जो हमारी अंदर में जितना जितना हमको ये समझ में आए कि जैसे ये माइक है, ये मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, गोल भी है और कौन से कलर का है, रेड कलर का। आप वहां से देखें तो कौन से कलर का दिखाई दे रहा है, ये कोन की तरह है और कौन से कलर का है, ब्लैक है। अभी मैं अकेले कह रही हूँ रेड है, रेड है, रेड। हम आएंगे सारे बैठे कह रहे ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक है, कौन राइट, कौन राइट। अगर ये दोनों दोनों राइट याद रहे ना, कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी भी दूरियां नहीं होगी, क्योंकि दोनों किससे राइट है, अपने अपने नजरिए से। अगर आपको ये रेड देखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रेड देखना है और मुझे ब्लैक देखना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है इसको चेंज कर दो, है ना, वो नहीं होने वाला, वो ऐसा क्या है, इसको चेंज करना पता है क्या है, सहेली को टाइम पर ही आना चाहिए, वो नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसका क्या है, वो उसका क्या है, संस्कार। जब वो चाहेंगे बदलना, जब वो इंस्पायर होंगी, जब उसको प्रेरणा मिलेगी, जब उसको लगेगा नहीं आना चाहिए, तो ऐसे बदल जाएगा। ऐसे बदलने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। जब तक उसको नहीं होगी ये रियलाइजेशन, तब तक वो नहीं होने वाला है, वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। और रियलाइजेशन बोलते ही परिवर्तन कितनी देर लगती है, 1 सेकेंड। तो इसलिए ये कब चेंज होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि ये बाहर से आती है, परिस्थिति कहाँ से आती है, बाहर से। लेकिन अगर फिर भी हमको ये मुझे ब्लैक देखना है और आपको रेड देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कभी कभी आप पोजीशन भी चेंज नहीं कर पाएंगे, आप पोजीशन चेंज नहीं कर पाएंगे, आपका बच्चा 20 साल का है, आप 60 साल के, आप 20 साल के नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तो उस समय आपको उनके नजरिए को क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये जो कह रहे हैं शायद अपने नजरिए से राइट है। इसलिए खुशी मन की स्थिति है,
सिंपल डेफिनेशन, इसको पकड़ते रहना। खुशी क्या है? मन की स्थिति है। मन क्या करता है? मन का काम क्या होता है? सोचना। जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसा वैसा हम फील करेंगे, सबको जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे। अभी अभी हमारे घर में डॉटर इन लॉ है, पता ना, अभी उसके आने से पहले ही हम एक इमेज बना देते हैं अपने मन में, आएगी तो कैसी होगी, आएगी तो कैसी होगी, कैसी होगी। दोनों बनाते हैं, डॉटर इन लॉ भी बनाती है इमेज और मदर इन लॉ भी बनाती है। डॉटर इन लॉ भी देखती कि मदर इन लॉ कैसी होगी, अभी तो बोल रही है सास में बैठी है, कैसे कैसे होगी, परफेक्ट। हाँ सिस्टर, हाँ जी, ऐसे सोचेंगे तो आप पूछो, ऐसे तो कोई सोचने वाला नहीं है अपनी मनमानी करेंगे, नहीं वो तो सोचते हैं कि ऐसी होगी जो बिल्कुल जो मैं कहूंगी वैसा करेंगे। छोटे लोग भी सोचते हैं मेरी माँ तो मेरे लोग बिल्कुल कैसी होगी, एक इमेज तो हमारे मन में होती है ना, ऐसी होगी ऐसी होगी, लेकिन वो एक इमेज होती है जो किसने क्रिएट की होती है, जो किसने क्रिएट की होती है, मैंने क्रिएट की होती है, और उसको इतना लंबा समय क्रिएट करके हम उसके साथ क्या हो गए होते हैं, अटैच हो करते हैं। कहीं तो बहुत डरते भी रहते हैं, पता नहीं कैसी आएगी कैसी आएगी, अंदर में उनको डर भी लगता रहता है, फिर वो आती है और उनको एक्सपेक्टेड होता है ये अब आएगी ना, मैंने 25-30 साल बहुत काम कर लिया, अब ये आएगी तो सुबह सुबह 6 बजे मुझे उठ करके क्या करेंगे, गर्म गर्म प्यार से चाय बनाएंगे, बहुत मैंने देखो 30 साल बहुत किया, बस अब हो गया, अभी मैं वेट कर रही हूँ, 6 बज गए, 6:30 हो गए, 7 हो गए। फिर मैंने धीरे से पूछा वो कहाँ गए, तो किसी ने कहा वो तो अभी उठी नहीं है, उठी नहीं अभी, 7:30, 8 कहाँ है, बस अभी अभी उठी, 8 बजे कौन उठता है, अभी वो आएगी नहीं है। और हमने एनर्जी कैसे भेजनी शुरू कर दी, और हम कहते पता मैं ये जब तक आई नहीं थी ना तो मैं तो बहुत अपने परिवार में सुखी थी और खुश, जब से ये आई है तनाव बढ़ने लगा है, किया ना शिफ्ट, प्लीज किया ना शिफ्ट, फ्रेंड पे भी करते हैं सब शिफ्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते शिफ्ट, देखो कितना शिफ्ट करते हैं अपने घर में, अभी फटाफट हमने अपनी मन की स्थिति का जिम्मेवार किसको कर दिया, उनको कर दिया, चाहे दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब अगर वही हमको स्मृति होती है, अवेयरनेस होती कि ये एक आत्मा है, एक शरीर थोड़ी ना है, मशीन थोड़ी ना है, क्या है, एक आत्मा है, एक घर से दूसरे घर में आए गए, तो इसके संस्कार कौन से घर वाले होंगे, अभी अभी जब आए तो कौन से संस्कार होंगे, इस घर के होंगे कि उस घर के होंगे, सोचो आप एक घर उस घर के होंगे ना, अभी तो उस घर के होंगे, इमीजिएटली कैसे मेरे घर के हो सकते हैं, थोड़ा समय मेरा फर्ज क्या बनता है उसको क्या करने का, एक्सेप्ट करने का, थोड़ा समय मेरा फर्ज बनता है उसको एक्सेप्ट करना, 8 बजे उठने को भी एक्सेप्ट करना, मेरी एक्सेप्टेंस उसके लिए रिस्पेक्ट है। जब वो एनर्जी जाएगी तो आपको क्या लगता है, धीरे धीरे वो इस घर के संस्कारों को, इस घर की आदतों को उस पर चलने की मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो जैसा है वो अपने नजरिए से बिल्कुल राइट है, उसको स्वीकार तो करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने से हम फटाफट खुशी से उदासी में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, हम इस खुशी को कहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं, कहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं, बाहर। अभी एक्चुअली फीलिंग है, मन की स्थिति है, पर फील नहीं हो रही है, तो फील नहीं हो रही है तो खुशी तो खुराक है, सुना है ना ये डायलॉग, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं,
अब ये बुरा तो मुझे हर हालत में चाहिए चाहिए, जैसे शरीर को खाना चाहिए ही चाहिए, वो उसके बिना रह नहीं सकता है, थोड़ा समय चल जाएगा लेकिन फिर उसको चाहिए। ऐसे आत्मा को खुशी चाहिए ही चाहिए। आप अगर उसको मेंटेन करके नहीं रखते तो वो उसको कहाँ ढूंढना शुरू कर देते, बाहर। बाहर कहाँ पर? अब जरा बाहर देखना, कब मिलती है खुशी? जब क्या क्या करते हैं जब खुशी मिलती है जी? क्या कर, नशा करते हैं ना, कई लोग इसमें ढूंढते हैं, कई लोग नशे में ढूंढते हैं। चलो वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, नहीं तो किसमें ढूंढते हैं? माता जी ने बताया मदर्स कहाँ मिलती है बाहर? खाने में मिलती है, घूमने में मिलती है, थिएटर में मिलती है, जी शॉपिंग में मिलती है। यस, सबसे ज्यादा खुशी तो कहाँ पर है? शॉपिंग में। एक खुश और दूसरे की जेब। अच्छा क्या खरीदने में मिलती है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा क्या खरीदने में मिलती है खुशी? कपड़े, राइट? इतना ज्यादा अभी कपड़े का अट्रैक्शन है, जब नया ड्रेस खरीदते हैं तो क्या होता है? एक बार इनमें से पूछो, जो कपड़ा हम पहनते हैं वो जड़ है कि चैतन्य है, मतलब लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो जड़ चीजों के अंदर फीलिंग्स होती है क्या? तो फिर ये कैसे खुशी देती है? कुछ तो गड़बड़ है, मिलती तो है, मैं भी मानती हूँ। नहीं, कोई चीज खरीदते हैं एक बार ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उस चीज के अंदर है ही नहीं तो फिर कैसे मिलती है? क्या होता है जैसे हम खरीदते हैं? हाँ जी, पहनने की खुशी मिलती है, तो उसके अंदर कोई फीलिंग्स है कि पहना और एकदम वाइब्रेशन आने लगा खुशी का? नहीं पहचान। हाँ जी, नहीं पहचान। पता है आपको क्या होता है? पहले तो आप देखते हो, फिर मन में उसको अपने वो पहने हुए देखते हो, फिर उसको पहन करके आईने में देखते हो, बस आईने तक नहीं, फिर आपको होता है कि मैं इसको पहन करके कहीं तो जाऊं, किसी पार्टी फंक्शन मैरिज में, तो हम यहाँ पर वो भी देख लेते हैं, फिर हम वो पहन करके जाते भी हैं, और जब हम जाते हैं तो फिर हम वेट करते हैं। क्या वेट करते हैं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई तो इसको अप्रिशिएट करे। तो जब कोई बहुत थोड़ी देर तक बोलता नहीं है तो हम कहते टॉपिक तो शुरू करें, हम भी बोल देते आपने जो पहना वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो फिर क्या बोलते हैं? अरे आपने जो पहना है वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। तुम कहते अच्छा सुंदर लग रहा है ना। तो हमारे जब किसी ने हमको अप्रिशिएट किया तो हमारे मन ने बहुत एलिवेटेड थॉट क्रिएट किया कि मैंने जो पहना है वो बहुत सुंदर लग रहा है, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मेरी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। ये थॉट की क्वालिटी कैसी है? ये थॉट की क्वालिटी कैसी है? बहुत पॉजिटिव, मैं सुंदर लग रही हूँ, ये बहुत एलिवेटेड थॉट है, ये बहुत सुंदर एनर्जी क्रिएट करता है हमारे अंदर। और होता क्या है, हमारी खुशी ये हमारी क्रिएट की हुई तो नहीं है, ये तो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट चीज में बड़ा रिस्क है, तो कोई दूसरा आता है वो भी कहते बहुत सुंदर है, कोई तीसरा आता है वो भी कहते बहुत सुंदर है, फिर एक आकर के कहता है अच्छा है पर ये कलर आपको बहुत सूट नहीं कर रहा है। अब क्या होगा? अब फिर चलते हैं आपको कुछ के नहीं चलता, अब क्या चलता है? सच सच बताना, अभी क्या चलता है यहाँ पर? दूसरा कलर लिया होगा तो अच्छा है, इतना ही नहीं चलता है। वो आकर के मुझे कह रही है ये कलर आप पर सूट नहीं करता है, क्या चलता है? नहीं, यहाँ क्या था, इनको समझ ही नहीं है, इनको कोई सेंस है कपड़े खरीदने की? इन्होंने देखा क्या पहना है, पता नहीं कुछ पहनकर आ जाता है, मुझे क्या
चलते कि नहीं चलते। अब जरा सा किसी ने अप्रिशिएट किया, मैंने अच्छा अच्छा सोचा, अच्छा फील हुआ। जरा सा किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, मैंने कैसा सोचा? सोचा तो मैंने ना, इसको हैप्पीनेस नहीं कहते, इसको हैप्पीनेस नहीं कहते। हैप्पीनेस सच्ची खुशी किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। अगर वो किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो तो स्टिमुलेंट है। आपने कोई स्टिमुलेशन दिया थोड़े समय के लिए अच्छा सोचने के लिए। अगर हम एक्चुअली में मालिक होते ना तो कोई अप्रिशिएट भी करता तो हम बहुत डिटैच होकर उसको थैंक्स कह देते, और अगर कोई क्रिटिसाइज भी करता तो हम अपने को क्या कहते, क्या कह सकते थे कि हमारी खुशी उस समय बनी रहते। मैंने येलो कलर पहना है, उसको नहीं ये कलर अच्छा लग रहा, तो हम अपने को क्या कह सकते, मुझे अच्छा लग रहा मैंने इसलिए पहना है। वो श्रद्धा उनको येलो कलर नहीं, रेड कलर अच्छा लगता है, उनको रेड अच्छा लगता है तो रेड ही अच्छा लगेगा ना, उनको येलो कैसे अच्छा लगेगा। हम जब फुल ड्रेस खरीदते हैं तो किसकी पसंद से खरीदते हैं? अपने पसंद से खरीदते हैं ना। अगर हमको उनकी अप्रिसिएशन चाहिए तो किसकी पसंद से खरीदनी पड़ेगी? तो ये याद रखना, नेक्स्ट टाइम जिसकी अप्रिसिएशन चाहिए उसको लेकर के जाना, तुम पसंद करो मैं क्या करूं। जब मैंने चूज किया है तो वो कलर, वो मटेरियल, वो जो भी है, वो किसके लाइकिंग का होगा। एक्चुअली तो ये जो ड्रेस है वो खुशी देने के लिए बनी है। क्या पर्पस है उसका? ड्रेस का पर्पस क्या है? खुशी देना। क्या पर्पस है उसका? क्या पर्पस है? बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए है ना, तो समर होगा तो हम ध्यान देते हैं कैसा कपड़ा पहने, कॉटन। विंटर होगा तो हम ध्यान देंगे कैसा पहने, थोड़ा सा वूलन। क्यों? उसका पर्पस है इसको प्रोटेक्ट करके रखना, फुल स्टॉप। अभी हम ऐसे थोड़ी ना खरीदते, अभी तो हम कैसे खरीदते हैं, ऐसा होना चाहिए जो किसी को अच्छा लगे, फिर हम उसमें फोटो खींचेंगे, फिर हम उसको अपलोड करेंगे, फिर हम वेट करेंगे, कोई उसको लाइक करे, कोई उसको कमेंट करे, फिर हम खुश होंगे। और उस कमेंट में अगर किसी ने ठीक से कमेंट नहीं दिया तो फिर हम उदास हो जाएंगे। तो शॉपिंग गलत नहीं है, लेकिन शॉपिंग खुशी के लिए करना या शॉपिंग आवश्यकता के लिए करना, दोनों में बहुत फर्क है कि नहीं है? और क्या चीज शॉपिंग में खुशी होती, और क्या देती? हाँ जी, गहने, पहनो गहने खुशी देते, ऑर्नामेंट्स देते है ना। फिर से अपने को पूछो, वो स्टोन के अंदर फीलिंग है? पूछो तो अपने आप से, जो स्टोन है वो जड़ चीज, चाहे डायमंड है, चाहे गोल्ड है, चाहे सिल्वर है, चाहे प्लैटिनम है, वो स्टोन है, पत्थर, जड़। पत्थर के अंदर कोई फीलिंग होती है क्या? फिर कोई हम पहनते हैं, कोई देखता है, अप्रिशिएट करता है, मन में थॉट्स करते हैं, आपको अच्छा फील होता है। इट्स अ साइकिल। पहनो, आनंद से मत पहनो, पर इसलिए नहीं पहनो कि ये पहनेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। खुशी से पहने, बहुत खुश है, पहन रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, खुशी लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्या करने के लिए जा रहे हैं? खुशी देने के लिए जा रहे हैं। जिसको मिलेंगे हम उस खुशी को रेडिएट करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग शॉपोहॉलिक्स बन जाते हैं, और शॉपोहॉलिक्स में फिर आपको शॉपिंग के लिए तो क्या चाहिए, शॉपिंग के लिए तो क्या चाहिए? बिना धन के तो सामान है का नहीं। तो फिर एक बिलीफ बन जाता है, जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा खुशी। यहाँ से बिलीफ आया है, क्योंकि कुछ कुछ हमने खरीदा, हमको अल्पकाल की खुशी मिली, टेम्पररी मिली, क्योंकि उसने ट्रिगर किया ना अच्छा सोचना, तो हमको अल्पकाल की मिली।
अब हमको एक्चुअली डीपली अगर आप चेक करें तो हमको चीजों से ज्यादा क्या चाहिए? जब मैंने वो चीज ली थी तो वो चीज लेने के बाद मुझे क्या मिली थी? खुशी। तो अब मुझे लगता है दोबारा खुशी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा कोई चीज खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरह से मेरी क्या बढ़ने लग जाती है? इच्छाएं। अब गांधी जी बहुत अच्छा कहते थे, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड्स। लोगों की जरूरत के लिए बहुत है, बट देयर इजंट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। हर एक के लोग के लिए तो सफिशिएंट नहीं है, पर तो कितना भी बनाए उतना आपको कम ही लगेगा। फिर हमारी इच्छाएं बढ़ने लग जाती है, और इच्छाएं हमको अंदर से कैसा फील कराती है? बहुत इच्छाएं हो पूरी ना हो तो अंदर में क्या फीलिंग आने लग जाती है? इच्छाएं पूरी नहीं हो तो अंदर में कैसी फीलिंग होती है? असंतुष्ट होंगे, कंटेंट नहीं होंगे लाइफ में। अंदर से फीलिंग क्या होगी? खालीपन है, लोनलीनेस है, कंटेंटमेंट की फीलिंग, संतुष्टता की फीलिंग नहीं आती। क्योंकि बाहर से बढ़ने की कोशिश करें ना, बाहर कहीं तो आपकी लिमिट आ जाएगी। कितना कितना कितना, अगर ज्यादा धन माना ज्यादा खुशी होती तो आप दुनिया में देखो जितने जितने ज्यादा धनवान लोग हैं वो उतने ज्यादा खुश होने चाहिए के लिए, पर ऐसा दिखाई देते हैं। ज्यादा धन माना क्या? सादा धन माना क्या? हाँ सिस्टर, टेंशन, सादा टेंशन, किसने कहा? ये बिल्कुल गलत है। सादा धन माना सादा टेंशन, वो तो धन कमाने का तरीका ठीक नहीं होगा, इससे टेंशन। बाकी कोई धन और टेंशन का कनेक्शन नहीं है, धन और खुशी का कनेक्शन नहीं है। ज्यादा धन माना क्या है? आपकी ये बढ़ रही है ना, परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो परचेसिंग पावर से आप क्या परचेस करेंगे? चीजें तो खरीदेंगे। तो ज्यादा चीजें माना ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ, नॉट अ हैप्पी लाइफ। दोनों में बहुत फर्क है। कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ और हैप्पी लाइफ में बहुत अंतर होता है। कंफर्टेबल लाइफ होती है, ठीक है आपके पास ज्यादा धन है, आप रोज कार से ट्रैवल करते हैं, कंफर्टेबल। आपके पास उतना नहीं है, आप रोज लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट लेवल कम है। पर क्या इसका मतलब ये है कि जो कार में ट्रैवल करता है वो ज्यादा खुश और जो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता है वो कम खुश? दोनों में से ज्यादा खुश कौन? ट्रेन वाला। कैसे पता आपको? कार वाला, वो भी कैसे पता आपको? कोई भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि दोनों वहां बैठ करके क्या सोच रहे हैं। अगर वहां कार वाला बैठ करके ये सोच रहा है कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है बॉम्बे में, कितना ट्रैफिक है, तो वो मर्सिडीज में भी बैठ करके क्या होगा? उदास ही होगा, इरिटेट हो रहा होगा। और अगर लोकल ट्रेन वाला बैठ करके सोच रहा है, कुछ भी बातें कर रहा है, अपना एंजॉय कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है, तो वो वहां बैठ करके भी पर वो वहां बैठ करके सोचेगा देखो ना ये लोग कैसे कार में घूमते हैं, मेरे को कैसे लोकल ट्रेन के धक्के खाने पड़ते हैं, तो जीवन ही पता नहीं क्या है। भगवान ने पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है, तो वहां बैठ करके भी क्या होगा? की है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये की है, आप उसके मालिक हैं, आपकी वो रचना है, क्यों नहीं हम उसको क्रिएट करते हैं? वो मिल नहीं सकती है, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। हम अगर उसको क्रिएट ही नहीं करेंगे फिर ढूंढते रहेंगे। कई लोग शॉपिंग में ढूंढते हैं, ज्यादा सेगमेंट शॉपिंग में ढूंढने वाला मदर्स का होता है। भाइयों का ज्यादा पता कहाँ ढूंढते हैं? कहाँ ढूंढते? चलो नशा एक्सट्रीम है, नशे से पहले ये लोग शॉपोहोलिक बन जाते हैं और आप लोग वर्कोहोलिक बन जाते हैं। वर्कोहोलिक बन जाते हैं, काम काम काम। क्यों? क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हम कभी ना कभी अचीव करते हैं,
करेंगे ना, आज कोई हमको प्रोजेक्ट मिला है, कुछ मिला है, फिर हम अचीव करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं, टारगेट अचीव किया, अवार्ड अचीव किया। जिस दिन हम अचीव करते हैं कुछ, उस दिन सब हमको कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? जब हम कुछ अचीव करते हैं, कोई मेडल मिला, अवार्ड मिला, कुछ भी, कैसा फील होता है उससे? बहुत खुशी। और आसपास वाले भी सब हमको क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, विश करते हैं। दो तीन दिन तक तो हम सबके हीरो होते हैं। तो मुझे इतनी अच्छी फीलिंग मैंने की होती है, मेरा बिलीफ सिस्टम क्या होता है, ये अच्छी फीलिंग दोबारा कब होगी? कब होगी? जब हम और कुछ अचीव करेंगे। तो फिर ये अचीव अचीव फिर हमारी साइकिल चलती रहती है। अचीवमेंट गलत बात नहीं है, परंतु दो चीजें इसमें जो बहुत नोट रहती है, ऐसे लोग कई बार अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं करते हैं। वो केवल कहाँ जाकर के एंजॉय करते हैं? जब कहाँ पहुंच जाते हैं? फाइनली डेस्टिनेशन पर, जिससे वो उस चीज को अचीव कर लेते हैं। उनकी जर्नी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। कभी कभी तो घर वालों उनसे बात करने में भी डरते हैं। उनको पता है इनका प्रोजेक्ट पूरा हो जाए ना, फिर ये वाली बात करते हैं। इतना उनको अपने ऊपर सेल्फ क्रिएटेड जैसे प्रेशर होता है। फाइनली जब वो अचीव करते हैं तो उनको बहुत खुशी भी होती है, पर उनकी जर्नी जो है, जनरली उन लोगों की जर्नी काफी स्ट्रेसफुल और प्रेशर में बीतती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको क्या लगता है जर्नी कैसी होनी चाहिए? जर्नी कैसी होनी चाहिए? वो ट्रैवल करते हैं कभी ट्रेन से या फ्लाइट से, टिकट पे क्या लिखा होता है? हैव अ हैप्पी एंड सेफ जर्नी के लिखा होता है, हैव अ हैप्पी डेस्टिनेशन। जर्नी भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। तो जो यहाँ हमको समझना है, हमको खुशी के लिए काम नहीं करना है, हमको खुशी से काम करना है। है फर्क दोनों में कि नहीं? एक है खुशी के लिए करना, वो तो फिर जैसे अवार्ड मिलेगा उसे दे दूंगी। एक है खुशी से करना, दोनों में कौन सा राइट रहता है? एक है कि बच्चा क्या 98% आएंगे तो मैं खुश होगा, और दूसरा है वो कह कि नहीं, मैं साल भर खुशी से पढ़ूंगा, खुशी से मेहनत करूंगा, खुशी से अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा, तो मुझे 98% आ ही जाएंगे। दोनों में से कौन सा राइट लगता है? हम खुशी से नहीं करते हैं। छोटी छोटी भी जो चीजें होंगी ना, कभी कभी घर में मेहमान भी आने वाले होंगे तो हम बहुत प्यार से उनके लिए एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे, फिर वो खाएंगे, फिर हम वेट करेंगे, फिर वो कुछ नहीं बोलते तो हम भी पूछ लेते हैं नमक ठीक है, सब ठीक बना है। क्योंकि जब तक वो कुछ बोले नहीं तो उस चीज को वैलिडेट कैसे हो कि मैंने जो किया है वो अच्छा है? इसलिए खुशी के लिए नहीं करना है, खुशी से करना है। उसके बाद हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगे, हो सकता है किसी को ना भी लगे, इट इज ओके। आपने अगर बहुत स्पाइसी फूड बनाया है और बहुत प्यार से भी बनाया है, और अगर कोई है जिसको स्पाइस फूड को नहीं चाहता है तो उसको वो कैसा लगेगा? उसको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उसको कैसे बनाया? प्यार से बनाया, खुशी से बनाया। फिर जब वो ओपिनियन देंगे, वो उसके ओपिनियन को मेरे अंदर एक्सेप्ट करने की ताकत होगी। लेकिन अगर मेरी स्थिति ही उनके ओपिनियन पर डिपेंडेंट होगी तो फिर उनका ओपिनियन तो मेरी स्थिति को ऊपर भी कर सकता है, मेरी स्थिति को नीचे भी कर सकता है। और इसमें पता है क्या होता है अचीवमेंट में? खास अचीवमेंट थोड़ा दूर होती है ना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, बीच में काफी लंबी जर्नी होती है। अब जैसे यहाँ पर हमको चीजें बटोरने का नहीं होता है, लेकिन हमको होता है हर चीज हमको खुशी देती है। ऐसे अचीवमेंट में भी हमको होता है जब ये मिलेगी तो खुशी मिलेगी, तो मुझे ये अचीव करना है बाय हुक या क्रुक, डजंट मैटर।
मुझे 98% लाने हैं कैसे भी करके, क्योंकि ये आएंगे ना तो ही अवार्ड मिलेगा, तो ही लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो ही अच्छा फील होगा, तो मुझे कैसे भी करके लाने हैं। अभी विधि कुछ भी, तो उसमें कभी कभी हमारी विधि कौन सी हो जाती है, अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है उतनी, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटी नहीं है उतनी लाने की, फिर भी लाने ही है तो क्या करना पड़ेगा, हार्डवर्क भी कर लिया तो भी नहीं है उतनी कैपेसिटी, अब फिर भी लाने हैं। मानो मेरी 60 की कैपेसिटी थी, मैंने हार्डवर्क करके 80 पर ले आया, लेकिन मुझे चाहिए 90, अब क्या करना पड़ेगा, ऑल मींस व्हिच मींस पेपर ले करने, क्या मीन करें, क्या मींस यूज करते हैं हम लोग, कॉपी चीटिंग करना ही पड़ेगा ना। अब वो जब हम करते हैं ना, तो हम इतना अपने को जस्टिफाई कर देते हैं कि ये तो ठीक है, तो होता है, और हम कभी कभी तो बहुत प्राउड भी फील करते हैं, मैंने किया और किसी ने देखा ही नहीं। पता है जब हम बाहर चीट करते हैं तो हम साथ साथ किसको चीट करते हैं, अपने को चीट करते हैं, क्योंकि हमारी कॉन्शियस ट्रिक करने लगती है, वो हमारी ओरिजिनल नेचर नहीं है, तो वो जैसे ही ट्रिक करने लगती है तो हम अपने कर्मों से खुशी से किसमें चले जाते हैं, आप जब चीट कर रहे हो या कभी किया हो तो फीलिंग उस समय कौन सी होती है, कौन सी फीलिंग होती है उस समय, कोई भी गलत काम कर रहे थे फीलिंग कौन सी होती है, गिल्ट बाद में होता है, करते समय क्या लगता है हमको, डर लगता है, डर लगता है, चाहे हम ब्राइट दे रहे हो, चाहे हम चीट कर रहे हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो जो हमको समझ में आ रहा है कि हम सिग्नल तोड़ रहे हो, कुछ भी हम ऐसा करते हैं, इसलिए किसी को बताने की जरूरत नहीं हम गलत कर रहे हैं। शब्द आपने सुना इंट्यूशन, इंट्यूशन शब्द सुने, इंट्यूशन का मतलब ये होता है इंट्यूशन वाला, इन का मतलब अंदर, ट्यूशन अंदर कोई बैठा है जो आपको ट्यूशन देता रहता है, ट्यूटर करता रहता है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, फिर भी क्योंकि हम अंदर से खाली है, हमको हर हालत में वो खुशी चाहिए, उसके लिए हमको अचीव करना है, उसके लिए हुक और लूक से मुझे वो मार्क्स या टारगेट को अचीव करना है, चाहे मुझे उसमें किसी का नुकसान भी करना पड़े, हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि उस बाहर के प्रॉफिट के लिए हम कॉन्शियसली अपने अंदर का क्या करते हैं, लॉस, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, अपने मोरालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, ये हम किसी को चीट नहीं करते हैं, इसमें सबसे बड़ी हमको जो पनिशमेंट मिलती है, हमारी जो खुशी की स्थिति थी वो भय में बदल जाती है, और भय के बाद किसमें बदल जाती है, गिल्ट में, थोड़े ही समय के बाद आपको गिल्ट होगी, और उससे भी ज्यादा एक लॉ आपने सुना है, Every action has equal and opposite reaction. Newton का थर्ड लॉ, इसको लाइफ में यूज करने की जरूरत है, साइंस करने छोड़, फिर जो हमने किया है वो लौट करके आएगा कि नहीं आएगा, और पता है इतना सटल लौट करके आता है, फिर हम बहुत अच्छा अच्छा इंटरव्यू देकर आते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं होते, फर्स्ट वेटिंग में होते हैं, नंबर ही नहीं आता है, फिर हमने अपने को पूछते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तब नहीं पूछना होता है जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, परिस्थिति माना तो एनर्जी लौट करके आ रही है, आपकी जॉब छूटी, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, बीमारी आई, ये तो लौट करके एनर्जी आ रही है, अब पूछने से क्या फायदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब कर रहे हैं तो पूछना है मैं ऐसे क्यों कर रही हूं, उस समय तो हम प्राउड फील करते हैं, कभी कभी मैंने सिग्नल दो किसी को पता नहीं चला,
मैंने चीटिंग करी, किसी को पता ही नहीं चला, ठीक है नहीं पता चला, और पता चलने की बात ही क्या है, यूनिवर्सल लॉ से तो कोई बच ही नहीं सकता है। वो तो जो कहते हैं कि जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी हमारे जीवन में क्या हो रहा है। तो भले अचीवमेंट बहुत अच्छी चीज है, पर फिर से क्लैरिटी, जब हम कुछ अचीव करते हैं, मानो 90% अचीव करते हैं, तो वो किस चीज की गारंटी करता है? 98% किस चीज की गारंटी करता है? अच्छा एडमिशन, आपको अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो गारंटी करता है कि आपको कॉलेज में आके अच्छा एडमिशन मिलेगा, अच्छे कॉलेज में मिलेगा, बस वो कोई खुशी की गारंटी नहीं करता। आपको अगर आज आप जूनियर मैनेजर हैं, कल आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, आपने अचीव किया, प्रमोट हुए, तो ये सीनियर मैनेजर की पोजीशन आपको क्या गारंटी करती है? क्या गारंटी करती है? ये जो हायर स्टेटस है, ये जूनियर से आप सीनियर बन गए, ये हायर स्टेटस आपको क्या गारंटी करता है? क्या क्या करता है? कई चीजें आती है इसके साथ। हाँ जी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायर सैलरी और मोर डिसीजन पावर, मोर पावर, ये तीन चीजें हैं एक्चुअली परफेक्ट एक्यूरेट। इनके अंदर खुशी का है, मोर मनी परफेक्ट, आई कैन हैव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ पावर्स भी मिली है, वाई नॉट उन पावर्स को अच्छे से यूज करके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया जाए। तो हर अचीवमेंट कुछ लेकर के आती है, लेकिन वो खुशी लेकर के नहीं आ रही है। इस जूनियर मैनेजर से सीनियर मैनेजर तक बनने की जर्नी कैसे होनी चाहिए थी? खुशी से होनी चाहिए थी। तो कहीं शॉपाहौलिक बन जाते हैं, कहीं वर्कहौलिक बन जाते हैं, परंतु जब ये दोनों भी काम नहीं आते ना, क्योंकि कितना शॉपिंग करेंगे और कितना अचीव करेंगे? एक बार तो ऐसा होता है 40-50 की उम्र में सब जो टॉप रैंक के वहां तक पहुंच जाते हैं, कुछ अचीव करने के लिए भी बाकी नहीं रहता है, पहुंच जाते हैं टॉप पर, अभी क्या अचीव करें? तो ना शॉपाहौलिक वर्क कर रहा है, ना वर्कहौलिक वर्क कर रहा है, फिर क्या बन जाते हैं? फिर कभी कभी होता है सब बोलना है, क्योंकि यहाँ अभी जो इतना यहाँ पे चलता है मन के अंदर, वो मुझे खाली कर देता है, निराश कर देता है। अब थोड़ी देर के लिए जब हम नशा करते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, अति मुझे सुख। इसलिए कोई भी अल्कोहलिक को बोलो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ता है वो, कैसे छोड़ेगा? उतना ही तो समय है जब वो खुश रहता है, आप तो उससे उसकी खुशी छीनने के लिए आए हो, कभी नहीं छोड़ेगा। उस खालीपन को भरना पड़ेगा जिसके कारण वो इस चीज का एडिक्शन में गया है। जैसे जैसे उसका खालीपन बढ़ेगा भरेगा, उसकी मन की स्थिति ठीक होगी, उसको इस आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है माइंड का इंटॉक्सिकेशन, नशा। उसमें क्या होता है, हमारा हमारी कर्मेंद्रियों के ऊपर से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता, क्या बोल रहे हैं पता नहीं चलता। कहते हैं किसी से सच बोलवाना हो किस समय बोलवा लो, तो सब कंट्रोल खत्म। सेंस ऑर्गन्स के ऊपर से थोड़ा समय के लिए कंट्रोल खत्म, ब्रेन में स्लो अच्छा अच्छा लगता। एक ये नशा टेम्पररी परमानेंट, टेम्पररी परमानेंट, टेम्पररी। एक है वाइन का इंटॉक्सिकेशन, दूसरा है डिवाइन का इंटॉक्सिकेशन। डिवाइन, ये जो आप सुन रहे हैं नॉलेज, प्योर नॉलेज, डिवाइन नॉलेज,
ये कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल लेकर रहते हैं, देखने सुनने बोलने खाने पहनने सब चीज के ऊपर फुली कंट्रोल में आ जाते हैं। जो सोचना है वो सोचते हैं, जितना समय सोचना है उतना समय सोचते हैं, जहां अपने मन को लगाना है वहां लगा सकते हैं, फुली इन कंट्रोल। कौन सा ठीक लगता है, कौन सा गलत? वो बहुत वीक स्टेज है और ये बहुत पावरफुल स्टेज है। तो अभी वो वाला इंटॉक्सिकेशन छोड़ना है तो कोई दूसरा इंटॉक्सिकेशन चाहिए होता है, ऐसे नहीं छूटेगा। बच्चे से एक खिलौना लेना है तो उसको दूसरा देना पड़ता है। अगर वही चीजें हैं जो मुझे टेम्पररी खुशी दे रही है तो मुझे परमानेंट खुशी का साधन तो देना पड़ेगा ना। जब मुझे हीरे मिलने लगते हैं तो पत्थर छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते हैं, छूट जाते हैं। तो जब मुझे सच्ची खुशी मिलती है तो फिर वो टेम्पररी खुशी जो मेरी डिपेंडेंसी है, जो मेरे स्टिमुलेशन है, वो छूट जाते हैं। क्योंकि सच्ची खुशी कम ज्यादा नहीं होती है, जो कम ज्यादा होती है खुशी वो डिपेंडेंसी है। सच्ची खुशी हमेशा स्थायी रहती है, वो ऊपर नीचे नहीं होती है। तो लेनी ऐसी खुशी, सच्ची खुशी कौन ले सकता है बिना खर्च के? बिना खर्च के, बाकी सब खुशी में इतना खर्चा है, इतनी डिपेंडेंसी, फ्री ऑफ कॉस्ट खुद का मालिक बनना है। और लास्ट चीज जो हमारी खुशी को बहुत जल्दी गायब करती है वो है एक दूसरे से तुलना करना। क्या लगता है आपको, ये जो दुनिया में एक रेस चीज चली है, कंपैरिजन कंपटीशन, ये राइट है कि रॉन्ग है? कंपटीशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कंपैरिजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब ये होता है तो क्या होता है, इससे डेवलपमेंट होती है। ध्यान से अपने को चेक करना, जीवन में हमेशा आपको भी कभी किसी ने किसी से कंपेयर किया होता है? देखो पड़ोसी का बच्चा कितना अच्छा है, कितना पंचुअल है, कितना डिसिप्लिन है, तुमको देखो। ये डायलॉग सुना है सबने कभी ना कभी के नहीं सुना है? कैसा फील हुआ आपको, कैसा फील हुआ, कैसा फील हुआ, क्या डेवलपमेंट होती है? स्वमान कम होने के जगह कभी बड़ा है किसी का कंपैरिजन से स्वमान? हम सब अनुभवी हैं, भले लोग कहें, मुझे भी तो पता है एवरी टाइम आई एम कंपेयर्ड टू समबडी मेरा स्वमान कम होता है। तो कंपैरिजन तुलना करना, क्योंकि क्यों हम तुलना नहीं कर सकते उसके पीछे कारण है, क्योंकि दो अलग अलग क्या है, दो डिफरेंट आइडेंटिटी है, दो डिफरेंट आत्मा है, दो बच्चे भी है ना आपके अपने बच्चे जिनका आप एक जैसी पालना देते हैं, क्या वो दोनों सेम होते हैं? क्यों सेम नहीं होते हैं? आपकी इतनी सिमिलर पालना देते हुए, सिमिलर उनके ऊपर एजुकेशन सब सेम सेम रखते हुए भी वो सेम क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो सोल्स है जो शरीर बनता है ना, आत्मा तो कैसी है, अमर है, तो वो कॉस्ट्यूम चेंज कर लेती है ना। आज वो जिस कॉस्ट्यूम में है उससे पहले वो किसी दूसरे कॉस्ट्यूम में होगी, तो वो जिस कॉस्ट्यूम में होगी, जिस वातावरण में होगी, जिन पेरेंट्स के साथ होगी, जो भी होगी, तो वहां उसकी सोल पर कुछ संस्कार पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे? तो वो अपने संस्कारों को लेकर के आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ट्विंस भी होते हैं, कभी उनके संस्कार एक जैसे होते हैं, शक्ल एक जैसी होती है, संस्कार एक जैसे होते हैं क्या? दोनों का स्वभाव नेचर एक जैसी होती है? तो वो जो हमारे घर में आते हैं वो अपने संस्कार भी लेकर के आते हैं, अपना हिसाब किताब भी लेकर के आते हैं।
अब उनकी कैपेसिटी और इनकी कैपेसिटी बिल्कुल अलग है। बहुत ज्यादा तुलना करने से स्वमान कम हो जाता है। अगर हमको सच में उनकी सेल्फ डेवलपमेंट करनी है तो आप केवल उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की मेहनत करो। वो जहां पर है उनको कहां लेकर के आना है उस चीज के ऊपर ध्यान देकर उसको बढ़ाने की मेहनत करो। किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। कंपैरिजन में पता क्या होता है, आप जब इनके जैसा बनेंगे या इनसे अच्छा बनेंगे तब आप अच्छे कहलाए जाएंगे। तब तक तो आप भूले हैं। तब तक तो आपको सर्टिफिकेट अच्छे का नहीं मिल सकता। ये अच्छे हैं, आप इनके जैसा बनेंगे तो अच्छे। अरे जब लो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो कहां से ताकत आएगी उस चीज को धारण करने की। बहुत बार हमको लगता है कि हम कंपेयर करते हैं तो हम इंस्पायर करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट और कम हो रहा होता है। अगर किसी के अंदर कोई चेंज लेकर आना है तो उसकी विधि क्या है? चेंज लाने की विधि क्या है? कैसे चेंज लाएंगे किसी के अंदर? कोई भी चीज का चेंज लाने के लिए क्या चाहिए? पेशेंस और प्यार। हाँ जी, पेशेंस और प्यार से। नहीं, मुझे अपने अंदर कोई चीज को संस्कार, मुझे पर्सनली भी अगर अपने अंदर कोई संस्कार चेंज करना है तो क्या चाहिए उसको चेंज करने के लिए? ताकत चाहिए कि नहीं चाहिए? कि सिर्फ समझ चाहिए कि ताकत चाहिए उसको चेंज करने के लिए? ताकत चाहिए ना। तो हमारी एक्सेप्टेंस, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा प्यार, हमारा पेशेंस उनके लिए क्या बन जाता है? ताकत बन जाता है और वो चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंपटीशन, उसके पीछे हम शब्द लगा देते हैं। कैसा कंपटीशन? हेल्दी कंपटीशन। स्ट्रेस को क्या कर दिया है? पॉजिटिव स्ट्रेस। एंगर को क्या कर दिया है? राइटियस एंगर। कंपटीशन को क्या दिया है? हेल्दी कंपटीशन। लीडरशिप के पीछे लगा दिया गुड लीडरशिप स्किल्स। नेगेटिव वर्ड के पीछे पॉजिटिव वर्ड को ऐड करने से वो पॉजिटिव नहीं बनता है। एंगर नेगेटिव एनर्जी है। आप उसके पीछे राइटियस एंगर लगा दो तो वो एंगर आपको पॉजिटिव एनर्जी देने लगेगा। ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। हेल्दी कंपटीशन, कंपटीशन होना चाहिए। एक क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं? एक क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं? एक ही आ सकता है। किसने कहा है? कितने आ सकते हैं? थोड़ा ध्यान से सोचो, एक क्लास में कितने बच्चे फर्स्ट आ सकते हैं? सब आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? तो किस चीज का कॉम्पिटिशन? अगर मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे फर्स्ट आना है तो मुझे क्या करना है? क्या करना है? मुझे मेरी कैपेसिटी बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है? तो इनको देखने से होता क्या है? डिप्रेशन और कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। मेरी कैपेसिटी अलग है, इनकी कैपेसिटी अलग है। हम सारा दिन इनको देखते रहते हैं तो हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमको लगता है इनकी तरह तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो फिर हम कुछ तरीके निकालने लगते हैं कि कैसे इनको भी नीचे खींचे और खुशी कम हो जाती है। हम सब अपनी अपनी इंडिविजुअल जर्नी पर हैं, अपनी अपनी जर्नी पर। किसी को देख करके इंस्पायर होना अलग बात है, प्रेरणा लेना। लेकिन जब आप प्रेरणा लेते हो, अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी से प्रेरणा लेते हैं तो केवल उनकी जो अच्छी क्वालिटी है वो आपको याद रहती है, व्यक्ति खो जाता है।
तो ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है। तो आपको क्या याद रहता है, मुझे भी जीवन में क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। आपने क्वालिटी देखी, क्वालिटी को पकड़ लिया। लेकिन जब हम इंस्पायर नहीं होते, कम्पीट करते हैं, तो क्वालिटी तो बाजू में रह जाती है। और सारा दिन हमारे मन और बुद्धि में कौन रहता है, वो व्यक्ति क्यों इतना सफल है, उसको इतनी सफलता क्यों मिलती है, वो जो करते हैं उसमें सब अप्रिशिएट करते हैं। तो ये वाली थिंकिंग, वो इतने सफल क्यों, वो इसलिए सफल है क्योंकि उनको उनके कर्मों का मिल रहा है। हमारे बहुत सुंदर गीत है, उसमें है कि हमको कई बार लगता है इनको इतना मिल रहा है, तो उसमें समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसको मिला है, तेरा है जो तुझे मिलेगा कोई नहीं ले सकता। जो मैंने श्रेष्ठ कर्म करके एनर्जी भेजी है वो मुझे ही लौट करके आनी है 100%। अगर मैंने भी हार्डवर्क किया, इन्होंने भी हार्डवर्क किया, मेरी प्रमोशन नहीं हुई, इनकी हो गई, तो इन्होंने मेरा कुछ नहीं लिया है। इनकी जो आज प्रमोशन हुई है वो किसकी एनर्जी लौट करके आई है, इन्हों की भेजी हुई इनको लौट करके आई है। मुझे इनके लिए क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। वो मेरा नहीं ले सकते, आप निश्चित रहो, कोई किसी का ले ही नहीं सकता है। हम जो भेज रहे हैं वही लौट करके आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये समझ आते ही हम देखना बंद कर देते हैं। आपको कई बार जीवन में ये फीलिंग आती है, देखो फलाने ने इसको ऐसे ट्रीट किया, मुझे ऐसे ट्रीट किया, इन्हों को ऐसे ट्रीट किया, मुझे ऐसे क्यों नहीं ट्रीट किया, इन्हों को प्रिविलेज दी, मुझे क्यों नहीं प्रिविलेज दी। इन्हों को जो प्रिविलेज मिली है ना, वो इनको श्रेष्ठ कर्मों के मिली है, ये आपका नहीं ले रहे। ये चीज आपको बहुत बहुत जीवन में क्या रखेंगे, संतुष्ट रखेंगे। और हम अपने श्रेष्ठ कर्म करते जाए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जाए, 50 करें तो 60, 60 करें तो 80, करते करते हमको जहां आना है हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अपने प्रिंसिपल्स को बना कर रखते हुए, बहुत ज्यादा वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत ज्यादा किया, इतना सा भी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज किया, आप पहुंच जाएंगे लेकिन फिर अंदर में बहुत खालीपन अनुभव होगा। ये खुशी ऐसी है कि जैसे वो पानी का ग्लास होता है ना, तो ये खुशी का ग्लास है। ये ग्लास भरना नहीं है, ये ग्लास भरा हुआ है। अब सारा दिन ध्यान देना है कि ये ग्लास खाली ना हो जाए, भरना नहीं है। मैं खुश स्वरूप हूँ, ये मेरी ओरिजिनल नेचर है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप सो करते सुबह उठो, मन की स्थिति अच्छी होती होता है, सके कई बार रात को इतना व्यर्थ चल रहा होता है, आप सुबह उठो वो जो फीलिंग है वो चली गई होती है, आप सुबह उठो आप बिल्कुल ठीक होते हैं। इतना भी देखो हमारे को, जैसे हर रोज का बेनिफिट है, नींद भी हमको क्या करती है, संकल्पों को शांत कर देती है, फीलिंग्स को डिलीट कर देती है। अब जब नया दिन शुरू हुआ तो ध्यान तो रखना है ना, बातें तो आएंगे, नाश्ता बोला था 8 बजे, थोड़ा लेट हो जाएगा, जिस ट्रेन से जाना था वो लेट हो जाएंगे, या आप 2 मिनट लेट हो जाएंगे, ऐसे छोटे 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 छोटा चलता रहता है। बस छूट जाती है, कोई बिना बात के कुछ कह देता है, कोई इंसल्ट कर देता है, अचानक कोई बीमारी आ जाती है, कुछ लॉस हो जाता है। लेकिन इन सब बातों में, बातों को सामना भी करना है, कर्म भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्ले करनी है। केवल किस चीज का ध्यान देना है, केवल किस चीज का ध्यान देना है, एक ही चीज का ध्यान देना है, यहाँ जो चले कैसा चले, अच्छा चले, यहाँ जो क्रिएट हो वो अच्छा क्रिएट हो, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स अ डिसीजन, रोज का डिसीजन है, हर सेकंड का डिसीजन है, चूज करना है, कर्म तो करना ही है, खुशी से करो या फिर रोके करो, उठ के ऑफिस पर जाना ही नहीं है।
अब ये है कि मंडे है, आज फिर काम पर जाना पड़ेगा। एक ही थॉट है, फीलिंग कैसी हो जाएगी, फीलिंग कैसी हो जाएगी, काम पर जाना पड़ेगा। आपने अपने थॉट से एकदम अपने को क्या किया, उमंग उत्साह को खत्म कर दिया। आज मंडे है, नया दिन है, मुझे काम पर जाना है। इतना सा तो डिफरेंस है। मेहमान आ रहे, चार मेहमान आ रहे बिना बताए, ऐसे कौन आता है? अब पता है आ भी गए, ये भी पता है कि खाना बनाना है, ये भी पता है कि उनको अटेंड करना है, और हम करेंगे भी, हम कर भी लेते हैं। लेकिन फर्क कितना होता है, कोई है जो उसको बहुत ही एक्सेप्ट करके कोशिश से करता है, कोई है जो इरिटेट और अपसेट होकर करता है। तो इसलिए बस ये छोटी सी चीज को चूज करना, ठीक है। अभी 2-3 मिनट मेडिटेशन करो। और जैसे आपको बहन ने भी बताया कि एक तो जैसे थोड़ा सा हमने सुना और समझा कि हमको अपने मन का ध्यान रखना है, लेकिन उस मन का ध्यान रखने के लिए जो मेडिटेशन कोर्स है, आप में से जो भी करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि जरूरत है, लगता है जरूरत है इसको शक्तिशाली बनाने की, किससे इसको लगता है, तो जिनों को भी लगता है और अगर इंटरेस्टेड है तो मंडे से ये कोर्स यहीं पर ही बिगिन होगा। 3 टाइमिंग्स हैं, मॉर्निंग 7 to 8, आफ्टरनून 4:30 से 5:30 और इवनिंग 7:30 से 8:30। 3 टाइमिंग्स हैं, तीनों में नहीं आना। कोई एक चूज करना है 10 डेज के लिए, आप 1 घंटा अगर निकालेंगे तो और गहराई से इसको समझेंगे कि कैसे एक्सटर्नल सब समझते जा रहे हैं, पर इंटरनल मेरी थिंकिंग, मेरे बिलीव्स, कैसे पास्ट को पकड़ते हैं, कैसे बहुत सारी बातें समझते समझते अपने संस्कारों के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो जब आप यहाँ से जाएंगे भी तो आपको एक कार्ड भी मिलेगा, उसके अंदर भी टाइमिंग्स लिखे हैं। और अगर किसी ने आज का टॉक नहीं अटेंड किया है, वो भी अगर डायरेक्ट कोर्स में आना चाहता है तो आ सकता है, कोई और है किसी को लेकर आना चाहता है वो भी आ सकता है। अभी 3 मिनट के लिए कंफर्टेबल होकर बैठे। कितने हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए, फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम तो कितने हैं जो यहाँ पर आपको फ्लायर मिला था, पर्चा मिला था, उसको देख करके आए, पर्चा मिला था ना, कितनों को न्यूज़पेपर में पर्चा मिला था, कितनों को मैसेजेस के थ्रू ये इनविटेशन आया था, और किसी को किसी ने पर्सनली इनवाइट किया था वो। कंफर्टेबल होकर बैठे, अलर्ट बैठे। दो मिनट के लिए अपने को रियलाइज कराएं कि कितना लंबा समय से मैं अपनी खुशी को बाहर ढूंढ रही थी, कभी चीजों में, कभी अचीवमेंट्स में, लोगों में, स्थान में, और मिली भी लेकिन बहुत ही टेम्पररी, और कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते मैं अंदर से बिल्कुल थक गई। आज इतने समय के बाद फिर से समझ में आया कि सच्ची खुशी क्या है। खुशी बाहर नहीं है, ये तो मेरे मन की स्थिति है।
मेरा लक्ष्य है कि मुझे अपने मन का मालिक बनना है। मैंने लंबा समय अपने गुस्से और उदासी के लिए दूसरों को ब्लेम किया, अपनों को ब्लेम किया। मेरे अंदर में चाहना थी कि वो मेरे अनुसार करे, मेरी तरह बन जाए। आज समझ में आया कि वो भी अपने नजरिए से बिल्कुल राइट है, वो गलत नहीं है। उन्हों को एक्सेप्ट करें और अंदर में अब संकल्प है कि उन्हों को बदलने की जगह खुद का ध्यान देना है। जब मैं ठीक हूं तो सब ठीक लगेगा, जब मैं खुश हूं तो मेरे से वो खुशी के वाइब्रेशन औरों को जाएंगे और उन्हों को भी खुशी देंगे। खुशी बांटने से बढ़ती है, मांगने से नहीं। अपनी खुशी की जिम्मेवारी उठने मुझे खुश रहना है और मुझे आकर के खुश करें, मेरी हर बात माने। ऐसी डिपेंडेंसी नहीं, लेकिन मेरे से जो एनर्जी उन्हों को जाए वो उन्हों को परिवर्तन होने की ताकत दे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हर छोटी बड़ी बात में मुझे स्टेबल रहना है। इस नए संकल्प के साथ एक नई शुरुआत करें, कल एक दिन के लिए ट्राई करें, सिर्फ एक दिन। कल सारा दिन चाहे कुछ भी हो, मैं डिस्टर्ब नहीं होती। ॐ शान्तिः।